हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज है संडे और मैं आपके साथ अपने गार्डन की अपडेट देने वाली हूँ। वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, सारे मेरे इंडोर प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जी प्लांट का एक प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, फुली बारिश में रखा हुआ था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया तो एक प्लांट गल गया था। तो उसका मतलब थोड़ा सा उसका जो बल्ब है वो गल गया था, तो उसको मैंने निकाल करके दो तीन दिन ड्राई करके फंगीसाइड लगाकर फिर से रिपोर्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, हमारे पेनीवर्ड का प्लांट बिल्कुल दबा हुआ सा पड़ा है और काफ़ी खूबसूरत सा है। और इधर देखिए, क्रोटन है जो मैंने सारे कटिंग से लगाए थे, ये देखिए कल मैंने जीजी प्लांट को रिपोर्ट कर दिया। और हाइब्रिड विंका की तो जो मदर प्लांट था वो मैं बचा नहीं पाई, लगभग एक प्लांट बस मेरा बचा है क्योंकि वो भी बारिश में ही रखे थे। कटिंग जो लगाई थी वो कटिंग देखिए बहुत अच्छी ग्रो हो गई है, तो अब इसको बारिश से बचा के रखूँगी। बहुत प्यारी सी कटिंग है, बहुत सुंदर सा कलर भी है, पिंक कलर का बीच में थोड़ा सा डॉट है। और ये देखिए सिंगोनियम कितने अच्छे हेल्दी हो रहे हैं। इधर कुछ एग्लोनिमा भी रखे हुए हैं और ये सारे एग्लोनिमा हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एक मदर ऑफ मिलियन का प्लांट है। यहाँ पर दिखाऊँ तो ये एक बिगोनिया का प्लांट बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक फाइकस का प्लांट है जो बिल्कुल दीवार में चिपका हुआ था, थोड़ी सी कंडीशन फिर भी अच्छी है, ये बारिश में ही रखा हुआ है। ये एलोकेसिया का प्लांट है, देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट निकल करके आए हैं। आप नर्सरी लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 80 रुपीज़ से कम इसका प्लांट नहीं मिलता है। मैंने तो इसको फ्री में लगाया था कटिंग से। इधर सारे मनी प्लांट हैं जिनको मुझे कट करना है, बहुत इनकी ख़राब कंडीशन है और पूरा रास्ते में टकरा टकरा करके गर्मियों में कुछ प्लांट इनके पत्ते बर्न भी हो गए हैं। इन सब की प्रूनिंग कर दूंगी तो नीचे से फिर से नया नया सा ग्रो होगा। और ये देखिए, जो मेरा स्टैंड एक लेयर टूट गया था ना, उसको मैंने अलग से ईंट रख के यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ अडेनियम रखे हैं और इसमें देखिए कितना प्यारा सा फूल आया है। ये वेरीगेटेड पत्तियों वाला अडेनियम है, यहाँ से रॉट हुआ था तो यहाँ से देखिए कट किया तो एक ही ब्रांच निकल रही है। मुझे लगता है दोबारा फिर से कट कर दूँ एक बार ताकि उसमें कम से कम डबल ब्रांच निकले। ये भी थोड़ी सी रोटिंग अभी अभी हो गई थी, इसको भी कट किया लेकिन फंगीसाइड लगाना भूल गई हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर खिला है। जब ये फ्लावर मैंने मंगाया था तो जो इसका प्लांट मतलब जो टैग में था ना, उसमें एक दूसरा कलर निकल के आया था। मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि मतलब कोई सा भी कलर सेलेक्ट करो तो कभी भी कलर ओरिजिनल निकल के नहीं आता है, लेकिन ये नंबर जिस नंबर पर ये फूल होना चाहिए था उस नंबर पर ना हो करके कि दूसरे नंबर पर आज खिला हुआ काफ़ी टाइम के बाद। तो बहुत ही सुंदर सा फूल है, देख सकते हैं वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर सा है। फर्स्ट बार खिला, इसकी कलियाँ ऐसे देखिए वाइट वाइट सी होती हैं, उसके बाद इस तरह से फूल खिला है। और अभी अगर आपको दिखा दें तो मेरे सारे अडेनियम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपके साथ फर्टिलाइजर शेयर भी किया था तो आप लोग भी चाहें तो दे सकते हैं। मैंने ऑर्गेनिक पोटाश दिया था और साथ में मैंने दिया था स्प्रे किया था NPK का, NPK 0-52-34 सिर्फ एक बार किया है और आप रिजल्ट मेरे देख सकते हैं। मेरे गार्डन में हर प्लांट पे आपको कलियां दिखेंगी, हर प्लांट पे आपको फ्लावर दिखेंगे। ये देखिए सभी में कलियां आ रही हैं, ये देखिए पूरे प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, और ये एक सिंगल पेटल निकल करके आया है, ये सेट ग्रोन प्लांट है। और देखिए रेड वाले तो बिल्कुल बंचेस से फ्लावर आए हुए हैं। एक फ्लावर ये भी अलग मतलब सिंगल पेटल का मैंने मंगाया था पर इसका फ्लावर अभी अच्छे से खिला नहीं, इसलिए देखने में उतना सुंदर दिख नहीं रहा है। खिलेगा अच्छे से तो अच्छा दिखेगा, मतलब जब बंच में खिलेंगे। ये एक ये मैंने अभी ग्राफ्ट किया था कुछ टाइम पहले, इसमें भी देखिए कलियाँ आ गई हैं। एक ये भी न्यू कलर था, मतलब मेरे गार्डन से हट के था ये अलग कलर। और इसके फ्लावर थोड़े से ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा, ये रेड वाला बहुत सुंदर खिल रहा है। कुछ के तो मैंने कट करके ग्राफ्ट भी किए थे प्लांट और बाकी मरून में भी कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब में पूरी कलियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर दिखा दो जो न्यू प्लांट है मेरे, जो अभी पहली बार खिल रहे हैं, कुछ दूसरी बार खिल रहे हैं, उनमें भी सब में कलियाँ आ गई हैं। बस अभी जो ये हमारा अरेबिकम का प्लांट है इसमें कलियाँ नहीं आई हैं, तो देखते हैं इसमें कब तक में कलियाँ आएंगी। और सब में दिखा दो तो सभी पूरा कलियों से भर गए हैं पूरे प्लांट। और बारिश हमारे यहाँ होती रहती है ऐसा नहीं है, लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ निकलती है। थोड़ा सा मैंने ये जो टीन शेड लगवाया उसकी वजह से थोड़ी सी छाया रहती है, ज़्यादातर वो बड़े प्लांट पर ही छाया जाती है, इधर वाले प्लांट को काफ़ी अच्छी धूप मिल जाती है। और यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखिए पिंक वाले में भी कलियाँ बन चुकी हैं देखिए, और उसमें थोड़ी सी वीड्स बहुत ग्रो हो गए लेकिन हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ तक। और इधर देखेंगे तो ये प्लांट मेरा मर गया था बिल्कुल, मतलब ख़त्म हो गया था। कोडेक्स तो सारा गल गया था लेकिन उसके बाद मैंने फिर इसको सैंड में लगाया, प्योर सैंड में ये प्लांट लगा हुआ और देखिए इसमें भी कलियाँ आ गई हैं। रिपोर्ट किया था, अभी रिपोर्टिंग अब इसकी मैं नहीं करूँगी इस साल, मैं इसको फरवरी में ही रिपोर्ट करूँगी। इसी में जो भी थोड़ी बहुत कंपोस्ट या कुछ देना होगा मुझे तो मैं डाल दूँगी। तो लगभग एक हफ्ते ड्राई करने के बाद मैंने इसको रिपोर्ट किया था। और यहाँ पे देखिए इसमें भी कलियाँ आई हुई हैं, एक बार ये पहले भी खिला था, ये एक नई भी वैरायटी है। और ये नीला कान का देखिए, थोड़ा सा इनमें
पेंट भी सब जगह पेंट के छींटे भी पड़ गए हैं, तो मैंने फंगीसाइड डाला हुआ है। पेंट किया हुआ था ना जो ये रॉड जो मतलब ये एंगल लगे हुए हैं उन पे, तो काफ़ी सारे एडेनियम मेरे पेंट गिर गया है। ये कुछ नई ग्राफ्टिंग है जो मैंने यहाँ पे निकाल करके बाहर रख दी है। कुछ रूट स्टॉक ऊपर से कट कर दिए थे कि ग्राफ्टिंग करूँगी, लेकिन वो सारे भीग गए, सब में पानी पानी भर गया, तो सूख ही नहीं रहा क्योंकि ऊपर इसमें पत्तियाँ बची नहीं हैं और ग्राफ्टिंग अभी नहीं कर सकती इनमें जब तक इनकी मिट्टी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। कुछ मतलब नई नई फुटाव भी निकल आए हैं, ये देखिए जिनमें फुटाव निकला है वो तो सेफ है, लेकिन जिनमें नहीं निकले उनके लिए थोड़ा सा खतरा है, अगर वो ज़्यादा पानी हो के कारण गल भी सकते हैं। एक देखिए ये भी ग्राफ्टिंग की थी, बहुत सुंदर सा कलर है, बड़े प्लांट पर ग्राफ्टिंग की है और इसका एक ब्रांच सिंगल रह गया क्योंकि उसमें बहुत छोटी ब्रांच थी तो इस पर नहीं की थी ग्राफ्टिंग। और ये देखिए जो अपनी फ्रेंड के यहाँ से कटिंग ला करके ग्राफ्ट किया था, इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पता नहीं ये क्या है, इसमें थोड़ा फंगस है कि क्या है, ये देखिए स्पाइडर घूम रहा है, मुझे लगता है इन्हीं की वजह से ये कुछ स्पाइडर माइट या फिर थ्रिप्स का कुछ अटैक हो सकता है ये। और यहाँ पे देखिए बंच में कलियाँ आई थी लेकिन फ्लावर पता नहीं अभी कौन से कलर की खिलेंगे समझ नहीं आ रहा। मैंने उनसे बहुत सुंदर सुंदर कलर लिए थे लेकिन पता नहीं कौन से कलर मतलब आ गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन सा कलर मुझे दे दिया। फूल उतना मतलब समझ ही नहीं आ रहा, जो कलर में लेकर के आई थी अभी तक एक भी फ्लावर उसमें नहीं खिला है जो मैंने उनसे खास मांगा था। और ये देखिए एक सिंगल पेटल का फ्लावर है, सीड ग्रोन प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर है ये देखिए। और मैरून में भी देखिए इतनी ब्रांच मैंने कट करी थी, अभी इसकी और भी ब्रांच कट करनी है, अभी फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इसकी ब्रांच कट करके और ग्राफ्टिंग करूँगी। मैरून में भी आ गए हैं कलियाँ और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सीड पॉट भी बना है। ये रेड है ट्रिपल लेयर, देखिए कितने घने घने से प्लांट रखे हैं, ऐसे भी प्लांट ख़राब होते हैं जब इनको हवा नहीं मिलती है अच्छे से तो प्लांट मतलब गलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये देखिए फूल सूख जाता है ना तो इसको आप यहाँ से कट करके टाइम से पहले ही हटा दीजिए, मतलब उसके गलने से पहले हटा दीजिए, ये काम भी आप कर सकते हो। देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें भी आई है, पर्पल कलर का है। और ये देखिए इसमें भी कलियाँ आ चुकी हैं, इसमें भी कलियाँ आ चुकी हैं, तो मेरे जितने भी एडेनियम हैं सारे ही इस समय फूलों से बिल्कुल भर जाएंगे। ये सारे मेरे हैंगिंग बास्केट है, कुछ सकुलेंट की है, मनी प्लांट है। सकुलेंट की कंडीशन अभी थोड़ी सी ख़राब है, नई जब भी मतलब कटिंग लगाऊंगी सितंबर में, वैसे कटिंग लगाने इनका सबसे बेस्ट टाइम होता है तो थोड़े दिन और बच जाते हैं। ये वैसे डिस्टर्ब बहुत होते हैं, बिल्ली के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पर। आज आपको अपना लोटस दिखाऊंगी, देख करके मन आप लोगों का भी खुश हो जाएगा एकदम से, मेरा तो सुबह सुबह देखा ना तो एकदम दिन अच्छा बन गया। ये देखिए और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, इधर सारी देखिए एडेनियम की सीडलिंग है। और ये पोर्च इलाका है, इसमें येलो कलर आज खिल के आया है, येलो जल्दी खिलता नहीं है, बहुत कम है इसकी ब्रांचेस। इधर मैंने अपने हिबिस्कस सारे शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि इस साइड पे मतलब एक एक प्लांट के साथ दो दो प्लांट अटैच करके रखे हुए थे ना, तो देखिए ग्रोथ देखिए इनकी प्लांट की। ये मेरा मिनेचर हिबिस्कस है, ये साड़ी मैंने अभी तक नहीं हटाई और कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई और इतना ज़्यादा घना घना। ये नीचे का पूरा मतलब इनका जो वो है वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि हवा नहीं लग रही बिल्कुल भी अंदर, थोड़ा सा खुला खुला सा रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये टिकोमा को मैं यहाँ से हटा लूँ। और ये देखिए ऑरेंज टिकोमा, बारिश में कभी कभी नहीं खिलता है लेकिन अभी मेरा प्लांट बहुत अच्छा खिल रहा है, जबकि मैंने ऐसा कोई फर्टिलाइजर इसमें दिया नहीं था, बहुत अच्छा। हाँ मिट्टी इसकी अभी भी सूख जाती है। और इधर दिखा दूँ तो मधुकामनी, देखिए एक हफ्ते पहले ही मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और पूरे फूल गिर गए थे, अभी देखिए फिर से इसमें फ्लावर मतलब हफ्ते भर बाद इसमें फिर से नई कलियाँ बन जाती हैं और पूरा ऐसे बंचेस में फ्लावर खिलते हैं, जबकि कोई फर्टिलाइजर इसमें नहीं डाला है मैंने। ये देखिए मोगरा भी बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है। और ये है डबल चांदनी, कुछ लोग बोलते हैं मैं सिर्फ एडेनियम दिखाती हूँ, तो नहीं जी एडेनियम बस नहीं दिखाती हूँ, आप लोग शायद पूरी वीडियो नहीं देखते होंगे, मेरे पास प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे प्लांट हैं पर हर प्लांट को उतना मतलब फोकस नहीं कर पाती क्योंकि एडेनियम ज़्यादा हो गया है मेरे गार्डन में इस समय, तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। और ये देखिए पेंटास, पेंटास के प्लांट भी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, बारिश के पानी पाने से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल करके आ रही है। ये हिबिस्कस अभी थोड़े से मेरे मतलब कंडीशन इनकी थोड़ी सी ख़राब है और जैसे जैसे बारिश के पानी मिलता जाएगा और थोड़ा न्यूट्रिएंट्स भी मिलता जाएगा तो ये बहुत अच्छे होंगे। मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मंगवा लिया है सब गमलों में, आज मैं सबको दूंगी। ये टिकोमा देखिए जो प्रून कर दिया था, बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। और ये सदाबहार को मैं एक ट्री की शेप में बनाना चाहती हूँ, तो ये भी बहुत प्यारा सब हो रहा है, इसकी मैं अभी प्रूनिंग कर दूँगी तो थोड़ा सा और ट्री की शेप में आएगा। अलमंडा देखिए बहुत प्यारे प्यारे खिल रहे हैं, ये पर्पल वाला है, कलियाँ इसमें आई हुई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। कनेर में देखिए फ्लावरिंग एक बार हो चुकी है, अभी थोड़ा सा इसको मतलब मैंने बनाना पील रखा हुआ है तो उसी को फर्टिलाइजर में सारे अपने जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट हैं सब में दूंगी। एक एडेनियम है देखिए मेरा,
ये डबल पेटल का है, पर कभी इसमें डबल फूल आता है कभी इसमें, लेकिन ऐसे एकदम गुच्छे वाला डबल पेटल नहीं है। सीड ग्रोन प्लांट है, देखिए छोटा सा ऊपर से पेटल आएगा, मतलब तीन पंखुड़ी का, और ये वाला कलर बहुत प्यारा है। ऐसा नहीं है कि सुंदर नहीं, बहुत सुंदर खिलता है, और सीड ग्रोन प्लांट है ये। एक वेरीगेटेड है, इसका फूल तो मतलब देखते ही बनता है। इसका मैं खिला हुआ फ्लावर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा सा फूल खिलता है इसका, रेड कलर में, साइड से थोड़ा ब्लैकिश रहता है, पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं जो कि देखने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर दिखाऊँ जट्रोफा, साथ में कनेर है देसी वाले, उसके बाद ये क्रोटन है, इधर गुलाब भी हैं दो, ये जो मुझे मतलब गिफ्ट में मिले थे ये गुलाब, और देखिए कितने सुंदर इसमें फूल आए हुए हैं। ये मिनेचर वाला है, और ये ऑरेंज और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा सा कलर है। अभी प्लांट उतनी अच्छी ग्रोथ पर नहीं है, इसलिए फ्लावर भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये सारे एडेनियम हैं, ये वाले एडेनियम सीलिंग के लिए ही थे, इधर वाले जितने थे ये सारे, तो इनमें देखिए ये देखिए ये भी वेरीगेटेड है, इसका फूल बहुत सुंदर आता है, बहुत ही प्यारा सा, ये देखिए पूरा खोल, शुरू में खिलेगा ना तो ब्लैक रहेगा, साइड से ब्लैक रहेगा, दूसरे दिन ऐसा हो जाएगा थोड़ा, मतलब वो ब्लैक जो होता है ना हट जाता है। तो ये भी प्लांट है, ये भी वेरीगेटेड वाला ही है, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये सीड ग्रोन प्लांट है, देखते हैं इसमें सिंगल सिंगल ही निकल के आएगा, लेकिन कौन सा कलर आएगा अभी पता नहीं। ये देखिए जो झुमके वाली वेरायटी है ना, बहुत प्यारी वेरायटी है ये, बहुत ही ज़्यादा, इतना बिग साइज़ का इसका फूल आता है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए एक एक ब्रांच में, मतलब इधर की तीन चार ब्रांच पर काफ़ी ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं, बाकी सब में आने लगेंगी अभी। इधर मेरा जो एक जोरा का प्लांट है, मैंने जो वाइट वाइट पत्तियाँ निकली थी ना, सबको पिंच कर दिया था, उसके बाद इसमें नई ग्रोथ हुई है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कट किया था, यहाँ से सब जगह से कट किया था, तो घना भी हो गया। ये दो दो ब्रांच, तीन तीन ब्रांच निकली है, और सबकी पत्तियाँ भी ग्रीन निकलनी शुरू हो गई हैं। ये कुछ पत्तियाँ अभी भी देखिए वाइट हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे या फिर हम मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट देते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ गोबर की खाद दी थी दो मुट्ठी, उससे ही बहुत अच्छा हो गया है। और इधर रोजेस हैं जिनकी कई दिनों से कटिंग करनी है, पर कल बंदरों ने देखिए पूरी ऊपर की टिप खा गए बंदर आके। ये देखिए इसमें कम से कम 5 से 6 ब्रांच निकली थी, सब पत्तियां तोड़ करके खा गए पूरा, मतलब ब्रांच ही खा गए वो। और इधर भी उन्होंने फूल कुछ तोड़ के खाए, कुछ ब्रांच भी खाए, मैंने भी नहीं हटाया, फिर लाकर उनको थोड़ा रोटी पूड़ी भी दी खाने के लिए, तो फिर वो चले गए फिर ले ले करके हाथ में, और जब तक नहीं दिया था कुछ तब तक वो प्लांट ही खा रहे थे। और इधर देखिए एडेनियम है, परसों मैंने एक सीडलिंग की वीडियो अपलोड की थी, तो शायद मैंने उसको 3 मंथ या 4 मंथ कुछ ऐसा बोल दिया था, लेकिन वो फरवरी का ग्रोथ है, तो लगभग 5 मंथ की सीडलिंग है मेरी। अब 5 मंथ की सीडलिंग मेरी इस तरह से है, देखिए इस तरह से जो प्लांट मैंने रिपोर्ट किए हैं वो प्लांट तो मेरे छोटे थे, जो प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं, जिनको मैंने शुरू से ही बड़े पॉट में लगाया है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये सारी हाइब्रिड सीडलिंग है, और यहाँ पर भी दिखा दूँ, ये देखिए। तो जब ग्रोथ अच्छी निकल करके आती है ना, और खास में खासकर हाइब्रिड होता है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। इधर देखिए जितने भी सीडलिंग है ना, कोडेक्स दिखा दूँ, 5 महीने का कोडेक्स है, ये देखिए फरवरी में ग्रो किया था, मार्च के हाफ में लगभग अप्रैल के अबाउट मैंने रिपोर्ट किया है, अप्रैल मई जून और जुलाई 3-4 महीने, इनको 3 महीने रिपोर्टिंग किए हुए हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है, फरवरी में सीड से ही ग्रो किया था। यहाँ पर भी है कुछ, और बाकी जो मैंने सीड सबको रिपोर्ट किया है ना, वो अभी मैंने सेकंड फ्लोर पे रखी है। कुछ यहाँ पे सीडलिंग है देखिए, जो कुछ डिस्टर्ब भी हो गई बारिश की वजह से, और कुछ चल रही है अच्छी। ये भी इसी के साथ किए, मतलब पहले मैंने ये वाले ग्रो किए थे, उसके बाद मैंने ये वाले ग्रो किए थे। अब आपको दिखा दो, ये भी देखिए, इनको अगर देखा जाए तो ये 4 मंथ की सीडलिंग है, ये देखिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ और सीडलिंग है जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें से कुछ तो मेरी फ्रेंड के यहाँ की सीडलिंग है, तो जिनको मैंने रिपोर्ट कर दिया था उनकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जिनको रिपोर्ट नहीं किया था, उनकी मिट्टी चेंज नहीं की थी, तो वो उतनी अच्छी ग्रो नहीं हो रही है। तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लांट को तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। और यहाँ से दिखा दूँ आपको अपना लोटस, एकदम मतलब मन खुश हो जाता है गार्डन में आके। डांट तो बहुत पड़ती है मुझे वजन बढ़ाने की वजह से, लेकिन फिर भी अभी हटा नहीं सकती, मैंने बोला भी है कि मैं सेल कर दूँगी, और जैसे इनके फ्लावर ख़त्म होंगे तो उसके बाद कुछ प्लांट मैं इसमें से मतलब कुछ ट्यूबर सेल कर दूंगी। ये देखिए इतना प्यारा फूल अगर खिला हो तो मन को कितना सुकून, मतलब बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इसकी खूबसूरती के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। इधर भी देखिए बर्ड्स इसी तरह से, ये लगभग 3-4 फीट की हाइट पर आ करके, 3 फीट की हाइट पर आ करके खिल रहा है, 3 फीट से भी ज़्यादा है मुझे तो लगता है। और ये येलो पियोनी, इनके फ्लावर आप देख सकते हैं कितने बिग साइज़ के फूल हैं,
तो बस मन करता है बस यहाँ पर बैठ जाएं और देखते रहें। गार्डन मेरा बहुत ही भरा भरा सा है, बहुत सारे प्लांट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा गार्डन पूरा। इधर देखिए बोगनवेलिया है, मैं पूरे प्लांट दिखाते दिखाते मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और कोई इतना ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ। यहाँ से देखिए प्रूनिंग करने का फ़ायदा आपको, मैंने प्रून नहीं किया है। ये देखिए ब्रांच गलती से टूट गई थी, और यहाँ से देखिए तीन ब्रांच निकल रही है। ये देखिए टूटी हुई ब्रांच अभी भी लटक रही, मैंने हटाया भी नहीं था। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर आप प्रून करते रहते हैं टाइम टाइम से ना, तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना होता है। तो रोज़ प्लांट की भी प्रूनिंग अभी आप इस समय कर सकते हैं, साथ में उसके फंगीसाइड का स्प्रे भी कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए मेरा जो गार्डन है ना, मैं आपको एक बार पूरा क्लियर दिखाऊंगी। इधर पर्सलिन देखिए कितना ज़्यादा ब्लूम हुआ है। ये जो मेरा सेंटर पॉइंट मैंने बनाया था, ये थोड़ा सा छुप गया है यहाँ से, क्योंकि मैंने इधर ही हिबिस्कस रख दिए, और मुझे लगता है अभी धूप थोड़ी सी निकली थी बहुत तेज़, लेकिन अभी लगता है मुझे बारिश भी होगी। हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी मैंने इनको कोई एक तो फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, और जैसे ही इनमें फर्टिलाइज़र दूंगी, थोड़ा मिलीबग का भी अटैक हो गया था जिसका मैंने कल ट्रीटमेंट भी किया है। अभी देखिए एक प्लांट पर लगा हुआ है एक मिलीबग यहाँ पर, और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ और दूसरा भी ला करके रखूँगी, ताकि मैं टाइम टाइम से बदल बदल कर स्प्रे करती रहूँ। तो ये देखिए सारे ही बिस्कस हैं मेरे, सारे तो नहीं हैं, बाकी उधर रखे हुए हैं। तो इनकी ग्रोथ है आप देख करके समझ सकते हैं। इसकी ग्रोथ अभी थोड़ी सी नहीं हो रही है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है इसे बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी अल्कलाइन हो गई है। तो इस पर मैं थोड़ा सा जो फिटकरी होता है ना, उसका यूज करूँगी। तो ये धीरे धीरे पत्तियाँ जो एकदम वाइट हो चुकी हैं ना, वो इस तरह से ग्रीन होने लगेंगी। वैसे जो नई पत्तियाँ आनी शुरू हैं, वो थोड़े से उनका कलर चेंज होने लगा है। तो ये पर्पल हिबिस्कस है जिसमें कलियाँ आ गई थी, लेकिन इसमें मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक था। तो देखिए अभी पूरा क्लीन हो गया है पूरा, देखिए देखिए मैंने स्प्रे किया था, कुछ हाथ से भी हटाया था और कुछ स्प्रे भी किया था, दोनों करने से थोड़ा सा तो राहत मिली है। धीरे धीरे टाइम टाइम से रोज़ ही करना पड़ेगा, मतलब दो चार दिन के अंतर में ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए सबको इधर साइड पर रख लिया, नहीं उधर कोने में रखे थे ना तो मुझे दिखता नहीं था, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि एक एक प्लांट को अंदर घुस घुस करके चेक करते रहूं। तो अभी भी एक ही बिस्कस वहीं पर है पर्पल वाला, और ज़्यादा अटैक पर्पल वाले में ही हुआ था। ये मिनेचर वाला है, इसमें भी देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए शुरू में ही अगर आप हाथ की हेल्प से या फिर कहीं किसी से भी हटा देते, इसको मुझे बिल्कुल ओपन में रखना पड़ेगा, नहीं इसकी जो लंबाई है ना बहुत ज़्यादा चली जाएगी, और साथ में इसके प्लांट को बिल्कुल हवा भी नहीं मिलेगी। ये प्लांट भी बिल्कुल सट के रखे, तो मैं इसको यहाँ से हटा लूँगी। और देखिए मेरे अडेनियम की सीडलिंग में वीड कितना ग्रो हुई, अभी वीड को निकालूंगी ना तो मेरा प्लांट बाहर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा गार्डन। तो ये देखिए एक प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल, जो मैं आपको हर संडे दिखाना भूल जाती हूँ, और बहुत ही प्यारा है। अभी अलमंडा प्लांट की केयर पर शायद वीडियो बनाई थी मैंने, पता नहीं अपलोड की है कि नहीं। बहुत सुंदर ये प्लांट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका फर्टिलाइज़र मैंने शेयर किया था कुछ टाइम पहले, लगभग 1 मंथ हो गए होंगे। बहुत ख़राब उस समय कंडीशन थी, बिल्कुल पत्तियाँ एकदम लाइट ग्रीन थी, बिल्कुल छोटा सा प्लांट था, एकदम बिल्कुल मतलब लग रहा नहीं रहा था कि इतना अच्छा ग्रो कर जाएगा। लेकिन फर्टिलाइज़र अगर आपको बता दूँ, तो मैंने इसमें गोबर की खाद, नीम की खली और बोन मिल, ये तीन फर्टिलाइज़र दिए थे, और बारिश का पानी, ये चीज़ें मिल करके देखिए कितना प्लांट हेल्दी हुआ है और कितना सुंदर दिख रहा है। बिल्कुल फूलों से भरा हुआ, एकदम बहुत प्यारे फूल होते हैं। अलमंडा के फूल सारे ही सुंदर होते हैं। और मेरे नेबर के यहाँ एक ऐसे पीच कलर का फ्लावर खिला है, बहुत सुंदर सा है, मैं यहाँ से अगर दिखाऊँ आपको तो पता नहीं दिख रहा कि नहीं, ये देखिए पता नहीं किधर चला गया उनके, मैंने ये कटिंग जो ली थी ना यहीं से ली थी। ये देखिए बहुत सुंदर सा कलर, मतलब लाइट ऑरेंज कलर है। तो ये कटिंग भी मैंने उन्हीं के यहाँ से ली थी, उनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा खिल रहा है, पर थोड़ी सी पत्तियाँ उनकी अभी लाइट ग्रीन है, लेकिन मेरे की पत्तियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। और इधर पीछे यूफोर्बिया मिली है, साथ में ये करी पत्ता है। इधर देखिए ये तो काफ़ी हाइट हो जाती है नाग चंपा की देखने में, इसको थोड़ा हम नीचे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक प्लांट मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ देखिए, लेकिन इस बार इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, तो बिल्कुल अच्छी मतलब ग्रोथ उतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग पर नहीं रहता है। और इधर सारे अडेनियम है मेरे पोर्चुलाकम, देखिए इसमें तीन कलर खिले हैं, रेड वाइट और पिंक। और ये हमारा बार बार लोटस पे आके नज़र ठहर जाती है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो गार्डन है, अडेनियम मैं आपको अभी सामने से दिखा दूँगी, और वो कीड़ा वहाँ के जो सीड पॉट बने उन पे अटैक कर रहा है, वो देखिए बैठा हुआ है। और ये देखिए इस तरह से, तो बारिश के पानी मिलने से प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी हो गए हैं, और साथ में थोड़ा फर्टिलाइज़र भी दिया, क्योंकि मैं जो गर्मियों का सीज़न होता है ना, 3 महीने फर्टिलाइज़र किसी प्लांट को नहीं देती हूँ, अप्रैल मतलब फरवरी में देती हूँ, उसके बाद से फिर कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। तो थोड़ा सा प्लांट फिर
कंडीशन यही होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा प्लांट को, और प्लांट कंटिन्यू ग्रोथ पर है, कंटिन्यू फ्लावरिंग पे है, तो थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ये देखिए मैंने बालसम का प्लांट लगाया जो कि खुद से अपने आप से ग्रो हुआ है, और इधर देखिए वाटर कैबेज है जो ये भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जेट प्लांट की टोपियारी, आज टाइम मिल जाएगा ना तो इसकी शेप दूंगी मैं। ये कोचिया के प्लांट है, ये जो पिकॉक शेप बनाया है ना, देखिए कितना ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है ये, इसको शेप देना जरूरी है, इसकी पिंचिंग करना थोड़ा सा। और ये भी देखिए इधर बढ़ गया, तो इसका भी शेप यहाँ पे ला करके इसका ये माउथ पूरा मतलब ये जो नेक वाला पार्ट है और इसका माउथ वाला पूरा शेप देना है। और ये देखिए अडेनियम, इधर ये समय का प्लांट है जो मैंने रिपोर्ट कर दिया फाइनली काफ़ी टाइम के बाद, चला गया 4 महीने ये ग्रो बैग में ही पड़ा रह गया। और ये देखिए इधर के मेरे बड़े प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है अडेनियम में, अभी रेड वाले में तो नहीं हुई है, इसमें जो देसी वाला है इसमें भी कलियाँ आनी देखी शुरू हो गई, हर ब्रांच पर कलियाँ। इसमें मैंने ऑर्गेनिक पोटास दिया था। इधर मेरी सारी सीडलिंग है जो मैंने अभी कवर करके रखी, क्योंकि बारिश लगभग बारिश भी होती है और साथ में धूप भी होता है। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कुछ को तो तब से पानी ही नहीं डाला था, आज कुछ प्लांट में पानी दिया है मैंने। और इधर भी देखिए इन इधर इस साइड की ग्रोथ बहुत अच्छी है, देखिए है ना, बिल्कुल अच्छी ग्रोथ पर चल रहे हैं। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना है एक बार मुझे, तो सीडलिंग पे और इधर का दिखा दूँ जो मैंने स्टैंड के नीचे रखा है। ये देखिए इनमें भी कुछ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि जब से रिपोर्ट किया तब से दोबारा पानी ही नहीं दिया है, बारिश का पानी कुछ मिला है कुछ हद तक, ऊपर पॉलीथीन कवर है तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। और ये एस्पेरिगस बिल्कुल मर गया था, लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया तो देखिए कितना सुंदर हरा भरा हो गया है। और यहाँ पर भी कुछ प्लांट है, ये हमेलिया है, इधर कैना लिली है, ये बेल का प्लांट है जिसके पत्ते हमको एक भी नहीं मिलते चढ़ाने को, सारे कैटरपिलर खा जाते हैं, इसमें बटरफ्लाई अपने एग्स रख जाती है हर बार। ये नागचंपा है, उधर कचनार का प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट हैं इधर। तो इस तरह से हमारा गार्डन चल रहा है, अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ से, और तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, आप थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड के इस समय ध्यान रखिए, मतलब जिस प्लांट पे आपके कोई भी पेस्ट वगैरह लग रहे हैं उस पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा हिबिस्कस में खासकर एप्सम सॉल्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी करते रहिए जब बारिश ना हो और जब धूप ना हो, और मिट्टी थोड़ा थोड़ा टाइम पर गुड़ाई करते रहिए जब भी टाइम मिले आपको, मतलब ले करके आइए कुछ भी टूल्स तो गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। और लोटस के बारे में बता दूँ, लोटस के जो सीड बनते हैं ना वो आप हटाते रहिए, उससे आपके प्लांट में नई नई कलियां बनती रहेंगी, नए नए फ्लावर खिलते रहेंगे। इस तरह से देखिए जो सीड पॉट बन जाते हैं ना, इनको आप हटा दीजिए, सबके मैंने हटा दिए हैं, सिर्फ एक ये बचा के रखा था और ये काफ़ी बड़ा था तो मुझे लग रहा था शायद इसमें सीड बन जाए, तो देखते हैं। इसको मैंने छोड़ रखा है, बाकी मैंने सारे लगभग हटा देती हूँ मैं। और ये देखिए इसमें छोटे छोटे, ये इतना छोटा छोटा मतलब ट्यूबर लगे थे इसमें बिल्कुल से, मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी ग्रोथ पे करेंगे। परसों मैंने इसमें देखे तो 12 कलियां और फूल मिला करके थे, ये देखिए अभी भी इसमें 5 है, और इसमें देखिए इस वाले में, तो ये देखिए एक एक साथ दो दो कलियां, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीछे 8, 9, 10, 11 और 12 और ये 13 स्टेम हो चुका फ्लावर। तो ये देखिए, तो बस लोटस में आप ऑर्गेनिक पोटास दीजिएगा अच्छी फ्लावरिंग के लिए, और ग्रोथ के लिए आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी साथ में दे सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप हिबिस्कस में भी यही चीज़ें दीजिएगा, और अडेनियम में भी आप ये चीज़ें ज़रूर दीजिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक पोटास, बोन मील भी दे सकते हैं, नीम की खली दे सकते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। साथ में फंगीसाइड का भी ध्यान रखिएगा, फंगीसाइड टाइम टू टाइम इन पर स्प्रे करते रहिएगा, और थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच मिट्टी में भी डाल दीजिएगा, आधा चम्मच मतलब 1/4 चम्मच, तो इस तरह से आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और हेल्दी भी रहेंगे। बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।